हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक क्विक एंड इजी रेसिपी। जी हाँ, इस ठंडी में आप बनाइए सिर्फ 5 मिनट में बैंगन का भरता। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनता है, तो घर पर एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में लिए है करीबन 4 से 5 टेबल स्पून जितना ऑयल। जैसे तेल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 सूखी मिर्चें और थोड़ी सी हींग करीबन 1/4 टीस्पून जितना। अब इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना सरसों के दाने। सरसों के दाने जैसे ही हमारे फूट जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 बड़े प्याज, 4 हरी मिर्चें और 100 ग्राम के जितना हरा लहसुन। तो सभी को मैं एक साथ मिक्स कर दूंगी, क्योंकि अगर हम लहसुन को ऐसे ही डालेंगे तो वो बहुत ही जल जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे तीनों चीज़ों को साथ में डाल रही हूँ। अब 1 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को भून लेंगे हम। अब देख सकते हैं लहसुन और मिर्च को प्याज के साथ डालने से वो जलते नहीं है और उनका टेस्ट भी कड़वा नहीं आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 4 बड़े टमाटर पके हुए हैं। ध्यान रहे कि जितना प्याज ले रहे हैं उससे डबल आपको टमाटर लेने हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसी टाइम पे मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक, ताकि हमारी प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाए। अब एक बार चला के मैं इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकने छोड़ दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा तेल भी छूट चुका है और टमाटर भी गल चुके हैं। मैं एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी पहले। अब इसी टाइम पे हम डालेंगे मसाले। तो 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद मैंने पहले से यहाँ पे जो भरते वाले बैंगन है वो 300 ग्राम लिए थे और इसको 2 विसल लगा ली थी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से उबल चुका है और इसको मैंने हल्का सा मैश भी कर लिया है। अब इस बैंगन को आपको इस मसाले में अच्छी तरीके से मैश करते हुए मिक्स करना है, ताकि जो मसाले हैं वो बैंगन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं 1 मिनट के लिए ढककर इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट के बाद आप तेल ऊपर आ चुका है और मसाले भी अच्छी तरीके से बैंगन में मिक्स हो चुके हैं। तो अभी इसी टाइम पे मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ करीबन 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला। ध्यान रहे कि गरम मसाले को आपको लास्ट में यूज़ करना है। और साथ ही साथ मैंने इसमें डाले हैं 1/3 कप जितने फ्रेश धनिया की पत्ते, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसी टाइम पे मैं अपनी गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी, क्योंकि अभी हमारा कढ़ाई भी गर्म है और बैंगन भी गर्म है, तो धनिया पत्ती अच्छे से इसमें पक जाएगी। तो मैं अच्छे से इसको चला लूँगी ताकि धनिया पत्ती अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो लीजिए, तैयार है हमारा क्विक एंड ईजी बैंगन का भरता, जो सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार है। तो घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास में दिए गए बेल बटन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।